गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट द ईएम। कैलकुलेट द ईएम फॉर गिवन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ईएम मींस होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो अपने को सामान्य रूप से याद रखना है। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस दो इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले की सहायता से ईएम को कैलकुलेट किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट ए के अंदर भी इसको बहुत बार पूछा जाता है और पार्ट बी के अंदर भी इसको बहुत बार पूछते हैं। पार्ट बी के अंदर पूछते हैं तो एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन चार क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये पीटी ग्लाइसिन ये 20 ग्लाइसोनेट प्लैटिनम सेकेंड। अगर इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम प्लैटिनम और प्लैटिनम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 78। तो यहाँ पर अगर इसके लिए ईएएन कैलकुलेट करेंगे तो ईएएन बराबर हो जाएगा प्लेटिनम के लिए परमाणु क्रमांक कितना है एटॉमिक नंबर 78 माइनस व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीटी इन गिवन। इसके अंदर पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, इसके अंदर पीटी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है 2 प्लस 2। तो इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 2 लिगेंड। अब चूंकि यहाँ पर लिगेंड कौन से हैं, बाइडेंटेट लिगेंड है एंड वन बाइडेंटेट लिगेंड फॉर्म 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, देयरफॉर 2 बाइडेंटेट लिगेंड फॉर्म 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए। जब इसको कैलकुलेट आप करोगे 78 माइनस 2 76 प्लस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल ये 84। तो इस प्रकार से ईएन कितना आ गया 84। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे कि एक क्वेश्चन से K2NiCl4 K2NiCl4। अब जैसे कि ये है, इसके लिए ये कैलकुलेट करना है ये है। तो यहां पर सेंट्रल एटम है निकल। अब निकल का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो निकल कितने नंबर पे आता है 28 पे। तो देखो बहुत ही इजी है, 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कंपाउंड के अंदर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो कितनी होती है, देखो Ni जो है उस Ni की कितनी हो जाएगी 4 माइनस 2 2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 4 है, क्योंकि ये जो लिगेंड है कैसा है मोनोडेंटेट है, जबकि ये कैसा था बाइडेंटेट है। तो ये तो अपने को अपने आइडेंटिफिकेशन रखनी पड़ेगी, बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंटेट
कौन सा है, तो ये तो याद करना पड़ेगा आपको। अपनी बुक के अंदर एक इंडेक्स दे रखी है ऑलरेडी, जिसके अंदर बाइडेंटेट लिगेंड कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से हैं, इसके अलावा भी ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, जैसे कि एडीटी है, एक्साडेंटेट है, उन सभी के बारे में लिखा हुआ है। तो आप उस इंडेक्स को दो चार बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह से वो इंडेक्स आपको याद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पढ़ना तो अपने को आवश्यक है, बिना पढ़े तो होना संभव नहीं है। तो आप उसको जरूर एक बार प्रैक्टिस करें। 28-2 कितना हुआ, 26+8 कितना हुआ, ये 34। तो इस प्रकार से ये जो कैलकुलेट है ई ए एन वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है पी टी एन एच 36 सी एल 4 पी टी एन एच 36 सी एल 4 ये वाला है एग्जांपल। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो बिल्कुल सेम ही है, इसके जैसा ही है। पीटी पीटी का एटॉमिक नंबर 78 अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। माइनस ये 2 प्लस 2 इंटू 6 76 प्लस 12 88 कितना आ गया, 88। तो इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। एक मिनट, पीटी पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हो जाएगी प्लस 4, ये 4 कर दो इसको, हाँ कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ये जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CO NH3+6 3+। अब यहां पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, CO CO का कितना होता है एटॉमिक नंबर 27 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 27 में से 3 माइनस कर दो 24 प्लस 12 35। तो इस प्रकार से ईएन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू।